दस गोरे कितने आए अपा खटखट गला भाई पतंदरा खटखट गला आ जाओ आ जाओ गोरे कुछ खटखट करना बारे तो दसो एक तो साढ़े नाल घटिया बंदे आए हुए है आप आए अज खटखट करा शहीद भगत सिंह जी का घर देखने इतने की है खटखट करा दस जद्दी घर है भाई के शहीद भगत सिंह जी का संघ का कहते मैं दसन लगा है बेस्ती होंगी जी देखो जी बहुत वधिया पार्क बनाई हुई है इतने तेरा नाम की है गोरे गोरा बेइज्जती कर रहा है तू और कुछ तो बोल ना गोरे भाई मैं पूछ लो जूतियां ना खांदा मेरी गोरे मास्क लगाना चाहिए कि ना ये है जी भगत सिंह का जद्दी घर पिंड खटखट कलां दे विच जिहड़ा नवां शहर पता रहो बहुत ही वधिया बना के सांभ संभाल करके रख्या होया सरकार ने इधरों दी नहीं जाना उधरों ही जाना ये है जी घर परे हो जाओ चलो तुहानू लैके चलते हैं मेन एंट्रेंस वाली साइड पर थोड़ी जी इतिहासक भी आए हुए हैं ये है जी घर का मेन एंट्रेंस शीशे लगा के गवर्नमेंट ने सांभ संभाल करके रखा हुआ वा अजे भी कुछ बहुत सारिया चीजा अंदर पईया हुई पुराने टाइम दिया आटे वाली चक्की जो कि भगत सिंह के घर की पुरानी चक्की सामने अलमारी आ अलमारी दे विच गलास परात छोटी जी लालटेन पखा ते एक प्रेस रखी हुई है ते दूसरी साइड जेकर तुहानू दिखे तो अंदर कुछ तकड़ी रखी हुई है चूल्हा बनया हुआ जी इत्थे हाँ साढ़े पंजाब के हर घर में पहला होंगे सी इन्हों आला कहा जाता यह है जी भगत सिंह का अपना मंजा जिते पुराने टाइम के सौंदे होंगे सी चरखा पिया उन्होंने घर के फोटो रखी हुई है लगा के होर उन्होंने अलमारी के समान रखा हुआ कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चल रहा शीशे करके बट फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारिया चीज़ा जो संभाल के रखी हुई वो सामने टप पिया हुआ पानी की बाल्टी आ पीढ़ी आ छाबा वा एक कमरा वा ये भांडे पे हुए परात
ਪੀੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਾਸ ਪਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੜਾਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰੇ ਆਵੇ ਫਿਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੋਰੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੱਦੀ ਘਰ। ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੜਦਾ ਜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਇਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ? ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਘਰ ਵਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫੁਹਾਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜੀ ਖੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਆ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਬੱਕਰਾ। ਚਲੋ ਪੋਚੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਆਹ ਪਾਰਕ ਆ ਬੀਟੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਰੀਆਂ ਬੀਟੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਰੇਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਘੁੰਮਣ ਪਾਉਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ,
सारा पार्किंग एरिया इतने जो कोई भी घूम आए तो इतने अपनी गड्डी मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह जो भी नाल लैके आएगा वो इतने पार्क कर सकता है। पार्किंग तो बिल्कुल रोड पर ही है। स्मारक इस साइड म्यूजियम बनया हुआ वा, शायद अज बंद है, हफ्ते एक ही दिन बंद होंगे म्यूजियम। इतने बोर्ड के उपर लिखा भी हुआ कि रिपेयर वगैरह का काम चल रहा जिस करके म्यूजियम बंद है। वैसे भी म्यूजियम के आप अंदर नहीं तुम दिखा सकते क्योंकि म्यूजियम के अंदर कैमरा यूज करना यूज कर पाबंदी है, कुछ भी कह सकते परमिशन नहीं हैगी, गोरा कहता अंग्रेजी। ये है जी भगत सिंह का स्टैचू जो कि बहुत ही वधिया लोकेशन पर बनया हुआ वा, सामने रोड वा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस जगह पर आने वाले हैं। आओ घूमो देखो अपने बच्चों को दसो अपने पंजाब के शहीदों बारे जिन्होंने देश में आज़ाद कराने के लिए बहुत ही वड्डा योगदान दिता। देखो इतने बोर्ड के उत्ते लिखा भी हुआ जुत्ती उतार के जाओ जी। सो आप उत्थे तक नहीं जा रहे क्योंकि आप उत्थे जावे तो वीडियो बनानी पैनी है एक अद्धे नूं फड़ के, आप वैसे ही दो जने एक दा बागड़ भी ला सी गोरे नाम का बागड़ भी लले हुंदा वा जिहड़ा सस्सां तो अलावा होर कोई काम नहीं करता वा। इन्ना का गोरा चिट्टा कि सस्सां दे नाल नाल उहदियां धोबे च गल्लां भी ला लैंदियां। इह बेचारा पतंदर पता नहीं कित्थों अपने अड़ीके आ गया नाल लै के आना। गोरे कुछ कहना चाहना नहीं ऐदा जो तो यूट्यूबर है साढ़े नाल। चलो बहुत वधिया लगा आके, जेकर होर कोई भी आना चाहता इतने जरूर आओ। नवांशहर बंगला रोड पर ही पिंड का खटखड़ कला रोड पर ही स्मारक बनया हुआ वा। स्मारक तो तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर ही घर वा पिंड जाओ देखो विजिट करो अपने बच्चों में दसो शहीदों बारे तो पंजाब की विरासत बारे जरूर दसो। चलो मिलते हैं जी तुम अगले ब्लॉग के मिलेंगे। और कुछ आखिरी शब्द नौ इधर क्यों नौ नौ का की मतलब होंगे बोल के दस कुछ